1947 के जबरी इलाक से पहले कश्मीर एक आजाद खुद मुख्तार कत रहा है। 1947 में इस कौम को एक शहर में बेचा गया लाल चौक में। मन तू शुदी तू मन शुदम ता कसना गोयत बादस दिग्रम मन दिग्रम तू दिग्रम। वी वर सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, इवन हेवन इज कैन नॉट स्नैच इट। आसमान के फरिश्ते भी इस आजादी से मुझे महरूम नहीं कर सकते हैं। मैंने 550 साल मुगलों के खिलाफ लड़ा, डोगरा दौर शाही के खिलाफ लड़ा, पठान दौर के खिलाफ लड़ा और इसके बाद सिख दौर 34 साल का था। तो आज मेरे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी है, ये 1927 में जब महाराजा हरि सिंह यहाँ का मोनार्क था, कश्मीरी पंडित जियालाल कोल, शंकरलाल जलाली, जियालाल चलम सबसे बड़े उस वक्त इंटेलेक्चुअल दानिश्वर माने जाते थे। प्रिंसिपल उन्होंने आंदोलन चलाया क्योंकि पंजाब से यहाँ आते थे, परचेज लैंड भी करते थे और बड़ी बड़ी नौकरियों पर काबिज थे। आंदोलन पर उस वक्त के मोनार्क को 1927 में निकालना पड़ा कि यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, यहाँ की नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए महफूज है और इसकी एक शिनाख्त बन गई। जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई अभी शुरू थी 27 में, अभी गांधी नया नया आया था साउथ अफ्रीका से, हमने उस वक्त ये हासिल की है। आज इसको कोई छेड़खानी करे 35A को तोड़ने की साजिश चले, नेफेरियस डिजाइन, या एक एक बच्चा किंडरगार्टन स्टूडेंट, या 80 साल की माँ, या 60 साल की बहन, या दादा और पोता, या दादी और पोती, या मर्द और औरत, या एजुकेटेड और इलिटरेट, या शिकारा वाला भी या स्वीपर भी, गाड़ हाजन की नेरी नबार, सुमावती प्रभावती राधा माल पंग माल मौकत रहत हाथ तो जान इकवट लड़ान कश्मीर की जमीन पर। और जम्मू के हिंदू, जम्मू के मुसलमान, जम्मू के सिख, जम्मू का राजपूत, जम्मू का शेड्यूल कास्ट और लद्दाख का बुद्धिस्ट, हम एक हैं और यहाँ खून की नदियां हम बहाएंगे क्योंकि ये लड़ाई मैंने 35A को छेड़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? 1968 में मैं 2 साल जेल में था, तिहाड़ जेल में, मुलाजमों की हड़ताल में। मैंने रिट दायर की सुप्रीम कोर्ट में, 5 जज सुप्रीम कोर्ट के बैठे, हिदायतुल्ला चीफ जस्टिस था, चीफ जस्टिस वहां मेरी तरफ से कृष्णा मेनन अपेयर हुआ, आनंद नारायण मुल्ला, एम के रामा मूर्ति, आर जी गर्ग, श्यामला पप्पू, और ये बहस लगी कि मुझे हिंदुस्तान के प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत जेल में डाला। मैंने इलाज 3 बातों पर किया जिसमें फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन एक्ट मेरी है, मेरी सॉवरेन है, मेरी असेंबली, मेरा अपना आईन है, मेरा अपना झंडा है, मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के कानून के तहत मैं जेल नहीं जा सकता हूं। तो मैंने उसको चैलेंज किया तो वो 5 जजों पर हुआ और 35A को अपहोल्ड किया 5 जजों ने कि इसको अपनी असेंबली ला कर सकती है एंड वी वर ऑल रिलीज फ्रंट वाले। उसके बाद इस केस को लार्ज बेंच में चला गया, 11 जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अपहोल्ड किया। संपत वर्सेस स्टेट, गूगल खोल दीजिए इंटरनेट पर, ये 98 पेज की जजमेंट है। तो ये संपत वर्सेस स्टेट पर 35A को आज के 3 जज कैसे इसको ओपन कर सकते हैं जब 11 जज फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का 49 साल पहले अपहोल्ड किया कि इसको छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। इसको हमने अब चैलेंज किया, ये संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट बनता है। एजी नूरानी, जेफ नूरानी सब ने आर्टिकल लिखे है कि ये संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट में अपहोल्ड हुआ, इसको नहीं छेड़ सकते हैं। इस वास्ते मैंने कॉल दी है रियासत भर के मुलाजमों के, उनके अहलो अयाल, रियासत के 3 लाख पेंशनर, उनका पोता और दादा, एक ही सप में खड़े होकर, पोती और दादी एक ही सप में खड़े होकर, है ना, व्हाइट बियर्ड व्हाइट हेयर दादू जो पेंशनर है, और उसका ग्रैंडसन जो स्कूल और कॉलेज में किंडरगार्टन में पढ़ता है, अगर इसको छेड़खानी की तो यहाँ
फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा जरूर। यहाँ एक एक मुल्क की मजदूर तबकों को मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, हिंदुस्तान की सारी ट्रेड यूनियनों को इसके हिफाज में खड़ा करूंगा। ये लड़ाई एक फैसला कुल लड़ाई हो जाएगी। अब सवाल ये है, ये लड़ाई एक खास कम्युनिटी की नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की है। आज मैंने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, मुझे 900 कमेंट्स आए उसमें कश्मीरी पंडितों की तरफ, जो यहाँ चीफ सेक्रेटरी बकाया भी रहे हैं, सुशील राजदान रहा है, कुंदनलाल चौधरी रहा है, असल भट्ट चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, शेख गुलाम रसूल, ये सारे ने कमेंट किया। आज हम इससे पंडित और मुसलमान का जो इतिहाद खराब हो गया था, पहले तो पंडित पहले ये जो यहाँ कश्मीरी आपस में जगमोहन की साजिश से दो फाड़ किया गया, कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर हैड टू लीव ड्यू टू फेयर सही कोशिश क्रिएट बाई जगमोहन। इस 5000 साल की तहजीब को दो फाड़ किया। इस सिलसिले में